गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं शीतल बाकर, स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। चलिए देखते हैं कल जो मार्केट में धुलाई हुई है। हमने देखा है कि मार्केट बुरी तरीके से पिट गया था और IRCTC मतलब मैजिकल हम लोग देख रहे हैं, नीचे ऊपर लाइक चल क्या रहा है मार्केट में। तो ऐसे टाइम पे हमें करना क्या चाहिए मार्केट में, और काफी सारी फंडामेंटल न्यूज आज मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे दी है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। देखिए, चीन में जो कोयला है ना, उसके ऊपर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस दिए गए और उस वजह से कल मेटल्स और कोयले के जो स्टॉक है, इसके वजह से कल मार्केट नीली। अगर आप देखोगे, देखिए फंडामेंटल न्यूज कितना इफेक्ट करती है। चाइना में हमने देखा कि स्टील क्रैश हो गया, मेटल क्रैश हो गया, तो उसका इफेक्ट सीधा सीधा हमने यहाँ पे देखा। अब ऐसे टाइम पे जब आपने कल देखा होगा FIs की 1000 में बिक्री हुई है, मतलब नियर अबाउट 3000 आसपास, करोड़ के आसपास FIs ने सेलिंग कर दी है। जब FIs सेलिंग करती है तो बॉन्ड यील्ड का रेट बढ़ रहा है, इसीलिए सेलिंग कर रही है। नए बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने वाले FIs, ये हमें देखना होता है। फिर अगर आप देखोगे तो FIs ने जो FOMC की जो मीटिंग है वहां पे सभी का ध्यान है, और कहीं पे भी अभी हमें छोटा मोटा वो जो कोरोना का डी वायरेंट है ना, काफी जगह अभी भी दिख रहा है, और उससे थोड़ी बहुत डेट्स का जो इफेक्ट है वो बढ़ते हुए दिख रहा है, और वो जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, ऐसे कल न्यूज थी। इसी वजह से मार्केट में हमने बहुत ज्यादा बिकवाली दिखी। और FIs जब माल बेच के जाते हैं, जब स्टॉक बेच के जाते हैं, तो उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट होता है, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। आपको याद होगा मैंने हर बार आपको बचाया है, बाय ऑन डिप सेल ऑन राइज, ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है फॉर एवरीवन, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। और कल का मार्केट ऐसे था जहां पे हमें एंटर करना चाहिए था, और यस मैंने भी वही किया है। NMDC मैंने यहाँ पे नवंबर, मेरे पास बहुत अच्छी पोजिशन NMDC में बनी हुई है। 1,300,180 रुपीज का प्रॉफिट है। एक स्ट्रैटेजी में मुझे 18,000 का लॉस है, वही दूसरी स्ट्रैटेजी में मुझे 3,450 का लॉस है, बट फिर भी मैं यहाँ पे 80,919 रुपीज घर पे लेके जाऊंगी। जब आप 80,919 रुपीज घर पे लेके जा रहे हो तो सुकून होता है कि मेरी दिवाली बहुत अच्छे से जाएगी। इसी तरीके से स्ट्रैटेजी सीखने के लिए इस दिवाली आपको इन्वेस्टमेंट करना है नॉलेज गेन करने में, और जब आप नॉलेज गेन करोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट होते हुए दिखोगे, क्योंकि सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होता है नॉलेज पे इन्वेस्टमेंट करो, ये लाइफ टाइम के लिए होता है। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, देखिए मुझे इस स्ट्रैटेजी के लिए लगा है नियर अबाउट 2,45,000, और 2,45,000 अगर कल मैं इन्वेस्टमेंट करूं और आज मैं 1,00,000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करूं, तो मेरी आने वाली 3 दिवाली बहुत अच्छे से जाने वाली है, ये मुझे पता है। इसी तरीके से आपको भी काम करना है, इसी तरीके से स्ट्रैटेजीज बनानी है। रैंडमली किसी भी स्टॉक में हम लोग एंटर करते हैं तो मेंटल प्रेशर हमारा बढ़ ही जाता है, तो उसके वजह से मेंटल प्रेशर पीसफुल रखने के लिए स्ट्रैटेजीज बना के काम करिए। स्ट्रैटेजीज बनाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बहुत अच्छा प्रॉफिट होते हुए आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो यस गाइस, मंडे की बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, इसी तरीके से आप भी प्रॉफिट कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है, फंडामेंटल स्टडी हमें करना पड़ता है, टेक्निकल चार्ट्स, इंडिकेटर्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट भी होता है। टिल देन गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।